हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स पढ़ा था, तो आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें इस नंबर में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कॉमास को इंसर्ट करना है। और मेरी तरफ से भी एक क्वेश्चन ऐड कर लो, हमें इस नंबर को इंडियन सिस्टम के हिसाब से वर्ड्स में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमास को इंसर्ट करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है तो आपको इसे देखकर कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपको पूरे सिस्टम याद आ रहा होगा, जो कि था कि हमने इंडियन लोगों को 3 पूरियाँ दी, उनमें से एक चोर निकला, उसने एक पूरी खा ली, बाकी सबका पेट भरा हुआ था तो वो खा नहीं पाए। तो सबसे पहले हम 3 पे कॉमा लगाते हैं, फिर बाकी हमारे पास 2 पूरियाँ बची थी तो फिर हम 2-2 पे लगाते हैं। अब हमने समझते समझते इसमें कॉमा इंसर्ट कर दिए। अब हम मेरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है हमें इसे वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 18,08,8,800। क्या? 18,08,8,800। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमें इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कॉमास को इंसर्ट करना है। तो चलो इसे करते हैं। और मेरी तरफ का क्वेश्चन है कि हमें इसे वर्ड्स में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम कॉमास को इंसर्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 3-3 पर कॉमा लगाते हैं, तो हम यहाँ पर 3-3 पर कॉमा लगा देते हैं। अब मेरे वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 68,045,765। क्या? 68,045,765। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट्स। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें 3 डिजिट्स हों और वो यूनिक हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं, जो कि है 100। अब हमने यहाँ पर 1 भी लिख दिया, 0 भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर वापस से 0 आ रहा है, तो हम ना ही यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और ना ही यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट्स, क्योंकि इसकी डिजिट्स यूनिक हैं। अब आप कहोगे इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें भी तो यूनिक डिजिट्स हैं, लेकिन हमें एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ पर है स्मॉलेस्ट, अब 102 120 से छोटा है, इसलिए यही आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टिच अ यूनिफॉर्म स्कर्ट 2 मीटर 10 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। मतलब हमें एक यूनिफॉर्म वाली स्कर्ट को सिलने के लिए इतने कपड़े की ज़रूरत है। कितने कपड़े की? 2 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़े की। आउट ऑफ 35 मीटर 35 सेंटीमीटर में से, मतलब हमारे पास इतना कपड़ा अवेलेबल है और हमें एक यूनिफॉर्म स्कर्ट सिलने के लिए इतने कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। How many skirts can be stitched and how much cloth will remain? अब हमसे पूछा गया है कि एक यूनिफॉर्म स्कर्ट को सिलने में इतना कपड़ा लगता है और हमारे पास कपड़ा कितना है, इतना। तो अब हमें बताना है कि इतने कपड़े से कितनी स्कर्ट स्टिच हो सकती है और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ needed for one skirt is equals to कितना है, 2 meter 10 centimeter। अब यहाँ पर
हमारे पास दो यूनिट्स हैं, तो हमें इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 2 × 100 कर देंगे प्लस 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 210 सेंटीमीटर। ये हो गया कन्वर्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, टोटल क्लॉथ अवेलेबल इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। हमारे पास इतना कपड़ा है। अब इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये दो यूनिट्स में है, तो हमें इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 35 × 100 प्लस 35 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3535 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम कितनी स्कर्ट्स इनसे स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3535 और यहाँ पर 210। अब यहाँ पर हम वंदा करेंगे तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 210। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 143। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। अब आप कैलकुलेट करो कि हम अगर 210 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1260। अब हम अगर इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाए, हमारे पास आएगा 175। अब ये सेंटीमीटर में आया है, तो हमें ये पता चल गया कि हम इतने कपड़े से 16 स्कर्ट्स को स्टिच कर सकते हैं और हमारे पास इतना कपड़ा बच जाएगा, यानी कि 175 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास इतने पैसे थे, उसने इतने पैसे अपनी वाइफ को दे दिए और इतने पैसे अपनी बेटी को दे दिए और बचे हुए पैसे उसने अपने बेटे को दे दिए। अब हमें बताना है कि उसके बेटे को कितने पैसे मिले। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम जितने वाइफ को पैसे मिले थे और जितने डॉटर को मिलेंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे और फिर जितने आदमी के पास थे उससे इनका सम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि बेटे के पास कितने पैसे आए। तो चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर है ₹2,86,36,555 और यहाँ पर है 1,11,11,111। तो इसका आंसर आएगा 3,97,47,666। अब हम यहाँ पर इस सम को इससे माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 5,56,38,579 और यहाँ पर है ₹3,97,47,666। अब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1,58,90,913। तो अब हमें पता चल गया कि बेटे को इतने पैसे मिले।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द सम 395 प्लस 170 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। हमें इन दोनों को एस्टिमेट करना है। तो अब हमने एस्टिमेशन सीखा हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास 395। अब हमें हंड्रेड्स में करना है, तो अब हम तीनों को देखेंगे। अब आप ही बताओ, ये 300 के ज़्यादा पास है या 400 के? ये 400 के ज़्यादा पास है, हम यहाँ पे लिख देंगे 400। अब नेक्स्ट है 170, अब हमें हंड्रेड्स में करना है, तो हम इन तीनों को देखेंगे। अब आप बताओ, ये 100 के ज़्यादा पास है या 200 के? ये 200 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200। अब हमें इनका सम निकालना है, तो 400 प्लस 200 तो हमारे पास आ जाएगा 600, और ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एस्टिमेशन से ही रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द डिफरेंस 47,029 माइनस 39,385 टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब हमने एस्टिमेशन तो सीखा ही हुआ है, यहाँ पर आएगा 47,029, तो हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स करना है, तो हम इन चार नंबर्स को देखेंगे। अब आप ही बताओ, ये 7,000 के ज़्यादा पास है या 8,000 के? ये 7,000 के ज़्यादा पास है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 47,000। अब यहाँ पर है 39,385। अब हम इन फोर नंबर्स को देखेंगे, क्योंकि हम नियरेस्ट थाउजेंड्स कर रहे हैं। अब आप बताओ, ये 9,000 के ज़्यादा पास है या 10,000 के? ये 9,000 के ज़्यादा पास है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 39,000। अब यहाँ पर हम इन दोनों को, हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना, हमें यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 47,000 माइनस 39,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,000। हमारा आंसर क्या आया? 8,000। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एस्टिमेशन से ही रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 658 मल्टीप्लाइड बाय 359 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हमारे पास पहले है 658, अब हम नियरेस्ट हंड्रेड्स कर रहे हैं, तो अब हम इन तीनों नंबर्स को देखेंगे। अब हमारे पास, हम देखेंगे कि ये 700 के ज़्यादा पास है या 600 के? ये 700 के ज़्यादा पास है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 700। अब नेक्स्ट है 359, अब हम नियरेस्ट हंड्रेड कर रहे हैं, तो हम इन सबको देखेंगे। और अब आप बताओ कि ये 400 के ज़्यादा पास है या 300 के? ये 400 के ज़्यादा पास है, यहाँ पे लिख देंगे 400। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 400 कितना आ जाएगा? 280,000। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस नंबर को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर है 614, तो हम 500 के सिंबल रोमन न्यूमरल में बोलते हैं डी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी। अब हमें 500 में 100 प्लस करना है, तभी तो हमारा 600 बनेगा, तो 100 का सिंबल होता है सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। अब नेक्स्ट, हमारा 600 तो हो गया, अब हमें लिखना है 10, तो 10 का सिंबल होता है एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स। अब है यहाँ पर 4, तो हम 4 कैसे लिखते हैं? हम पहले 5 का सिंबल लिखेंगे, और अब हमें इसमें से एक कम करना है 4 लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर आई का सिंबल लिख देंगे, मतलब 1। तो ये हो गया हमारा 614 का रोमन न्यूमरल कन्वर्जन तैयार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, और हमारा नंबर है 965। अब रोमन न्यूमरल्स में 1000 का सिंबल होता है M, तो हमें यहाँ पर लिखना है 900, मतलब हमें 1000 से एक कम लिखना है, मतलब हमें 1000 में से 100 कम लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले 100 का सिंबल, जो कि है C, हम यहाँ पर लिख देंगे C। अब हम 1000 का सिंबल लिख देंगे, जो कि है M, तो हम यहाँ पर लिख देंगे M, तो ये हमने लिख दिया 900। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 65, तो पहले 60 लिखने के लिए हम 50 का सिंबल लिखेंगे, जो कि है L, तो हम यहाँ पर लिख देंगे L। अब हम 50 में 10 प्लस करेंगे, और 10 का सिंबल होता है X, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
एक्स। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है 960। अब हमें 5 लिखना है, तो 5 का सिंबल होता है V, तो हम यहाँ पर लिख देंगे V, और ये लिख दिया हमने 965 का रोमन न्यूमेरल। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त, जिसमें हमने मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नोइंग आर नंबर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।